दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम ने लंबी सियासी पारी खेली है। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बहुत सारे लोग जानते थे। केंद्र में वे एक बार रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता था। आपको बता दें कि 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मुलायम सिंह यादव का मेदांता के एक डॉक्टरों का पैनल इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथी हैं। दिल्ली से उनके शव को लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद यहां से फिर इटावा ले जाया जाएगा। कल 3 बजे मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी काफ़ी दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएँ व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा।